ये पुराना वाला था, बहुत हालत ख़राब हो गया था इसका, तो मिरर चेंज करना पड़ेगा। मिरर ऐसा है, तो ये है कुछ ऐसा पुराना है, पुराना वाला पूरा कार्बन लग गया, तो इसको भी चेंज कर पड़ेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल अमित एक्स ब्लॉग। सो आज मैं अपना बगमैन लेके उसका पेट सर्विसिंग करने जाने वाला हूँ। फ्री सर्विसिंग सब खत्म हो चुका है, तो अभी पेट सर्विसिंग का टाइम है, तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको भी दिखाऊंगा कि पेट सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ लगेगा, क्या क्या चीज़ मुझे चेंज करना है, क्या कितना क्या खर्चा आएगा। तो चलिए वीडियो डिले नहीं करते और आसमान देखिए यार, देखो पूरा क्लाउडी है, बारिश आने वाला है शायद। बारिश हल्का 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 सा शुरू हो चुका है, तो देखते हुए अगर बारिश ज़्यादा हुआ तो मोटर ब्लॉक तो नहीं कर पाएंगे, सीधे वहाँ पे जाके बात करते हैं। सो लेट्स गो, मिलते हैं रास्ते पे। कितना बजे निकलना था, कितना लेट हो गया, हालत देखो। इतना देर धीरे 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 बारिश हो रहा था, पानी। चलिए इसको निकालते फिर चलते। तो अभी तो वार्म अप हो रही है और बारिश हो रहा है, बीच बीच में रेनकोट ले लेता हूँ अंदर। भाई बहुत दिन बाद अंदर खोलो, क्या क्या है, गाड़ी का पेपर्स है, कपड़ा है एक, और ये वो मोबाइल के लिए पानी गिरता है ना तभी स्टैंड में लगाने के लिए बारिश होने से, फिर रेनकोट लग देता हूँ मैं। चलिए, और ये रहा मेरा साइलेंट वाला लॉक। चलिए निकलते हैं, जय बजरंगबली। सो मैं आपको किलोमीटर दिखा देता हूँ एक बार। सो देख सकते लगभग 11,000 हो चुका है, 11,000 हो ही जाएगा, मतलब जब तक हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर तो 11,000 किलोमीटर हो जाएगा। पहला वाला वीडियो अगर आपने देखा है बगमैन के बारे में तो आपको रास्ता तो सबको पता ही होगा मैं कहाँ से जाता हूँ। क्या चल रहा है, तो वो जो मशीन देखा आपने मैनुअल के अंदर काम कर रहा हो, मैनुअल साफ करने के लिए है। नया एक छोटा सा क्रेन टाइप का बना हुआ है, तो वो मैनुअल के अंदर डाल के सो जो कचरा जमा हुआ रहता है ना उसको ऐसे करके उठा लेते पुल करके। अभी धूप है, अभी छाव है, कभी बारिश हो रहा है, भाई साहब प्रॉब्लम तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है अभी तक। गाड़ी में 11,000 लगभग हो ही गया है, 11,000 हो गया है। हाँ मुझे दोनों ब्रेक शू चेंज करना पड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है ब्रेक शूज जो एकदम बाइट कम ले रहे हैं। और सेकेंड चीज़ मुझे इसका जो बेल्ट होता है रोटेटिंग बेल्ट, तो बेल्ट इसका, अरे भाई कोलकाता पुलिस से भाई कुछ भी मतलब देखेगा ही नहीं पीछे कौन आ रहा है, लेफ्ट साइड लोग देखते नहीं मिरर, ये ड्राइवर लोगों की वजह से ना कैसे गाड़ी चला रहे हैं। टर्न लेना है, इंडिकेटर नहीं है, उसके ऊपर से अचानक से ऐसे करके घुमा दिया, एक बंदा आ रहा है एक मोशन में आ रहा है स्पीड में, क्या बताए। अब पुलिस वाले है, लॉ तो इनका ही है ना गाड़ी। और एक चीज़ मैं मतलब इसका माइलेज कैसे निकालता हूँ कि मुझे, मैं जैसे चलाता हूँ गाड़ी बगमैन को, तो मुझे माइलेज कैसे समझ में आता है कि कितना दे रही है माइलेज, मैं जब इसको रिफ़िल करता हूँ कैसे पता चलता है। मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं दिखाता हूँ आपको, दिख रहा है ट्रिप ए अभी 9.2 किलोमीटर्स दिखा रहा है, तो कल रात को मैंने फुल टैंक किया था इसका। फुल टैंक करने के बाद मैंने ट्रिप ए पूरा ज़ीरो कर दिया था, अभी ये चलेगा, फिर जब मैं इसको फुल टैंक करूँगा उसके बाद मैं ट्रिप ए देख लूँगा मैं कितना लीटर वहाँ पे पेट्रोल आया और ट्रिप ए में कितना किलोमीटर आया, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ।
आराम से समझ में आ जाता है कि मेरा माइलेज क्या मिल रहा है मुझे गाड़ी में। तो ऐसा ही है कुछ मेरा फंडा, मैं ऐसे करके चेक करता हूँ माइलेज। हर किसी का अलग अलग हो सकता है। हालत देखो, बारिश शुरू हो चुकी है, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। लगभग आ गए, थोड़ा सा दूर है। ये रास्ते पे मैं अभी तक गया नहीं है, मैं अभी तक गया नहीं इस रास्ते पे। गोरखाली, सोनाखाली, तो सुंदरबन एरिया का जो रास्ता है ये वाला, बासवंती, झड़खाली, तो सोच रहा हूँ एक दिन चलूँ इस रास्ते पे। मुझे भी देखना है कैसा है जगह है सब, आपको भी लेके चलेंगे। A few inches later. तो हम लोग आ गए सर्विस सेंटर, अंदर चलते हैं। चलिए, तभी किलोमीटर है, 2 किलोमीटर कम है 11,000 से, तो 11,000 हो ही गया। अरे तुम्हारे पूछी थी सर्विस किसने, है सर्विसिंग कर दो, ब्रेक शूट सब चेंज चेक हो गए। चलिए गाड़ी को सबमिट करते हैं, फिर बात करते हैं। तो जॉब कार्ड अभी बन रहा है, जॉब कार्ड बनने के बाद गाड़ी अभी रैंप पे चली गई। और देखो हम लोग बाहर अंदर आए और बारिश देखो, बारिश चालू हो चुकी है पूरी तरीके से। तो फिलहाल मैं अभी वेटिंग लॉन्च पे बैठा हूँ और बाकी गाड़ी का जो काम है मैंने बोल दिया है, बाकी वो लोग देख लेंगे। और दूसरा चीज़ है, मुझे मिरर चेंज करना है गाड़ी का, क्योंकि मेरा लेफ्ट साइड का जो मिरर है, अगर वीडियो में आपने देखा है अच्छे से, वो क्रैक हो चुका है। क्रैकिंग कैसे हुआ, मतलब मैं जहाँ पे रखता हूँ ना मेरे कॉलोनी में, तो वहाँ पे मतलब एक गाड़ी जा रहा था, उसने मतलब मार दिया उसको, उसका कहीं से लगा होगा मिरर में, तो मिरर क्रैक हो चुका है। मैंने सुबह देखा था मिरर क्रैक है मेरा, जो भी हो तो मिरर चेंज करना है। मैं अभी क्रोम फिनिश वाला मिरर लगा रहा हूँ, तो मिरर में बोल रहा है कि 1 चेंज नहीं होगा, तो हमें एक साथ चेंज करना पड़ेगा, तो लगभग 900 रुपये दाम है। चलिए करते हैं, क्या कर सकते हैं, मिरर तो लगाना ही पड़ेगा। मिरर मेरा आदत नहीं है बिना मिरर के चलाने के लिए, और चलाना भी नहीं चाहिए, तो चलिए चेंज कर लेते हैं। सही फ्रंट ब्रेक शू चेंज हो रहा है, ब्रेक पैड कुछ था ही नहीं, ये नया है ना, ये वाला पुराना है, ये पुराना वाला था, बहुत हालत ख़राब हो गया था इसका। ये जो कितना मोटा रहता है, ये है नया, ये बड़ा चेंज हो रहा है अभी, कैलिपर खोल दिया गया है। तो पीछे का ब्रेक शू भी ठीक ही है, पीछे का ब्रेक शू मुझे चेंज नहीं करना पड़ा, तो मिरर चेंज करना पड़ा, मिरर ऐसा आया है, मिरर चेंज होगा 10W40। ये अभी नया एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, अभी पहला बार एयर फिल्टर चेंज हो रहा है अभी, और पुराना वाला इन पे है, ऐसा है कुछ हालत पुराने वाले का। नया वाला यहाँ पे सेट हो रहा है, नया एयर फिल्टर यहाँ पे लग गया है। तो ये है नया स्पार्क प्लग, ये वाला पुराना है, पुराना वाला जो कार्बन लग गया है, तो इसको भी चेंज करवा ले रहे हैं, नया स्पार्क प्लग लगेगा अभी। बेसिकली स्पार्क प्लग चेंज करने का पूरे रेंज चाहिए होता है, और इसको डाल के इसको घुमाना पड़ता है ना। टूल किट में तो रहता है रेंज ना, टूल किट में तो रहता है वाला रेंज, ये वाला हाँ एक रहता है, एक रहता है, लेकिन वो थोड़ा अच्छा।
मोबाइल कितना आता है इसमें? 700 चेक किया गया तो मोबाइल सही से आया कि नहीं, नाप सही है। A few moments later. तो सर्विसिंग कंप्लीट हो गया। अभी सर्विसिंग चार्ज मुझे जो लगा अभी टोटल देख सकते हैं आप 2411 रुपये। तो इसमें स्पार्क प्लग है, एयर फिल्टर किट है, ओरिंग है, क्रोम मिरर किट जो मैंने लगाया और ये इंजन ऑयल कम। सो टोटल मिला के ये आया है। तो गाड़ी तो अभी पूरी तरीके से रेडी है, पूरा साफ सुथरा एकदम, बट फायदा नहीं है, जो बारिश हो रहा है वो कीचड़ पूरा कीचड़ कीचड़ ही हो जाएगा, क्या बारिश हो रहा है गंदा। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी तो हो गया, बारिश थोड़ा कम हुआ है तो इसी बाहर निकल जाते हैं। गाड़ी तो गंदा हो जाएगा तो पता ही है भैया, चल रहे आ रहे। चलिए, अरे इतना कोहरा क्यों हो गया। तो चलिए मैं घर जा रहा हूँ और बाकी ब्लॉग को और लंबा नहीं करते, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, प्लीज ऑलवेज ट्राई टू वेयर अ हेलमेट एंड एंजॉय योर लाइफ माय फ्रेंड्स, बाय बाय।